एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ मेनोपॉज के बारे में और उसके आफ्टर टाइम के बारे में। देखिए, इस टाइम पे क्या होता है ना, फीमेल के बॉडी से हार्मोन्स जो होते हैं उसके लेवल घटने की वजह से फीमेल्स ऑटोमेटिकली अपना डिजायर लूज करती रहती है। इवन ये फेज तब से शुरू हो जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के बाद से वो खुद को मेंटेन ना करे तो उसके बाद से ही फीमेल बॉडी में डिज़ायर जो है वो घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाती है और उसको बैलेंस अगर ना किया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और मेनोपॉज आते आते ही फीमेल की डिज़ायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेनोपॉज के बाद या फिर मेनोपॉज से पहले ही आप क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी इंटीमेट लाइफ को भरपूर एंजॉय कर सको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा तो है पर बॉडी सपोर्ट नहीं करी, या फिर आपकी इच्छा है कि आप अपने पति को सपोर्ट करो बट इंटरनल आपको वो डिज़ायर आ ही नहीं रही। तो उस जगह जाने से पहले ही अगर आप कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान दो, कुछ चीज़ें अगर आप अपने हैबिट में डाल लो, तो खुद इसका रिजल्ट देख पाओगे कि कैसे आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो डिज़ायर है वो मेंटेन रहती है और ऑल ओवर आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है और आपकी इंटीमेट लाइफ भी हेल्दी रहती है। तो आइए लेट ना करते हुए फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है वो है आपका एस्ट्रोजन लेवल। मेल बॉडी में जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीड हार्मोन होता है, ठीक वैसे ही फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो लीड हार्मोन होता है, और इस हार्मोन के घटने की वजह से फीमेल बॉडी में बहुत कुछ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, हेयर फॉल से लेके मोटापे से लेके डिज़ायर लूज कर देना, लिबिडो की प्रॉब्लम हो जाना, साथ ही साथ फीमेल को और भी बहुत सारी थकान वगैरह आना, हर चीज़ मतलब कि फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल घटने की वजह से ही होती है, इवन उनके पीरियड में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना मेनोपॉज आ रहा है उस टाइम से आपको करना चाहिए, नहीं, आफ्टर 25 ही आपको एस्ट्रोजन हार्मोन पे काम करना शुरू करना चाहिए। मैंने मेल पार्टनर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो मर्दों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही फीमेल भी अगर एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन रखे तो मेनोपॉज के बाद भी उनके इंटीमेट लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जो नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, इसमें से सबसे अच्छा हर्ब जो होता है ना वो है शतावरी। शतावरी फीमेल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। तो शतावरी इतना महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ते में 100-150-200 में आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। मार्केट में आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आप देख पाओगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन सेल करती है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। शतावरी बहुत अच्छा होता है फीमेल्स के लिए, अगर आप रोज़ थोड़े थोड़े लेते हो ना तो एस्ट्रोजन की मात्रा मेंटेन रहती है, नॉर्मली आपकी थकान भी दूर होती है और आपकी लिविडो भी मेंटेन रहती है, और मेनोपॉज का आपकी इंटीमेट लाइफ में उतना खास फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जिनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है, और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और प्रूफ करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
दूसरी जो चीज़ों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है वो है कैल्शियम। यस, कैल्शियम फीमेल्स के लिए बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके बाद से ही उसकी बॉडी धीरे धीरे ये नेचुरल चीज़ें लूज़ करती है। कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी कमी की वजह से जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द और भी बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। तो अगर आपके पूरे बॉडी में हमेशा दर्द ही रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, तो आपको कभी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप एक हार्ड एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपकी बॉडी को एबल होना भी पड़ेगा ना, उसकी आपकी बॉडी को वैसे प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कैल्शियम पे ध्यान दे। कैल्शियम अगर आप चाहो तो नेचुरली फूड भी ले सकते हो या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं, बट हाँ वो कैल्शियम रॉ सप्लीमेंट ही होनी चाहिए। कैल्शियम को कंज्यूम करने के लिए विटामिन डी का बहुत ज़रूरी है इंटेक करना, तो इसीलिए वो भी अपना ध्यान रखें। दूध बहुत अच्छा सोर्स होता है इसके लिए। नंबर 3, ल्यूप का इस्तेमाल करें। नेचुरली आफ्टर 30, आफ्टर 35 फीमेल नेचुरल लुब्रिकेशन को मतलब कि कम प्रोड्यूस करती है, स्पेशली जिनकी बॉडी में धीरे धीरे एस्ट्रोजन की मात्रा घटती है। क्योंकि नेचुरल लुब्रिकेशन तभी आता है जब आप कुछ फील करते हो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए अच्छा होता है कि आप प्रॉपर तरीके से नेचुरल लुब्रिकेशन पे डिपेंड ना करके आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करो। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे लुब्रिकेंट के बारे में बताई है जो जेल बेस्ड है या फिर वाटर बेस्ड है। वो आयुर्वेदिक है, आप उसको सर्च कर सकते हो, उसको देख सकते हो, बहुत से हैं और वो सारे सेफ हैं। तो आप नेचुरल लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें, जो कि आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट है उसका इस्तेमाल करें। उससे कभी भी ऐसा हिचकिचाहट नहीं रहेगी कि ड्राइनेस हो रही है तो पेन हो रहा है, और इसकी वजह से ना आपको ना कहना पड़े अपने पार्टनर को। आप हमेशा कंफर्टेबल रहो। छोटा सा लुब्रिकेशन का कोई भी पैक आप अपने बेड के साइड के कबर्ड पे रख सकते हो, बहुत फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। एंड लास्ट थिंग पता है वो है आपका खुद का इंटरेस्ट। देखिए एक सोच होती है ना फीमेल मेल दोनों में, थोड़े से नो 40 पे आ जाते हैं ना तो उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बहुतों की बच्चों की शादी भी हो जाती है, तो अलग से सेपरेट रूम वो अब फिर इस्तेमाल नहीं करते, उनका रूम ना फिर पब्लिक रूम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, कपल्स को हमेशा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। आप बोलोगे मैम इंडिया में सबके पास अलग अलग कमरे कहाँ होते हैं, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से ना चाहे छोटा सा ही कमरा हो बट आप अपने कमरे को सेपरेट रखो। अपने पार्टनर को थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि टच फैक्टर्स, हग फैक्टर्स, एक दूसरे को टाइम देना, इंटीमेट टाइम स्पेंड करना आपके दोनों में क्लोजनेस को बढ़ाता है। आप एक दूसरे के क्लोज आते हो, बॉडी रिएक्ट करती है, सेंसेशन पैदा होता है, तो इसीलिए प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए एक पर्सनल बेडरूम रहना मेरे हिसाब से हर एक कपल के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। फीमेल्स के लिए इन सारी चीज़ों के साथ फाइट करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अर्ली एज में प्रेगनेंसी, उसके बाद बच्चा, बच्चे की देखभाल, हर चीज़ में वो अगर इन्वॉल्व हो जाती है ना तो वो फिर अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। अब इसका असर बहुत बार उनके रिश्ते में पड़ता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ में को परफेक्ट होनी चाहिए, बट इंटीमेट रिलेशनशिप आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। रोज़ाना फिजिकल रिलेशन बनाना, ज़बरदस्ती से नहीं नेचुरल तरीके से बनाना, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैंने इस पर भी डिटेल्स पे वीडियो बनाई है। उसके लिए हेल्थ का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।